तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे भिन्नों के संख्यात्मक सवालों को, यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फ्रैक्शंस के। ओके, बहुत इजी है। दो सवाल आपको समझाएंगे, उसके बाद आप अपने बुक से आराम से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन है, कमल के पास 250 रुपये है। उसने 2/5 भाग कालू को दे दिया, 1/5 भाग राजू को दे दिया, तो अब कमल के पास कितने रुपए बचे? ठीक है, ऐसे है तो आप पेपर में इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे हल। पेन ने चल रखी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कमल के पास रुपए कितने हैं? तो 250 रुपए। ठीक, अब उसने राजू को दिए, तो राजू को दिए कितने दिए? राजू को कितने दिए? 2/5 किसका? कुल का 2/5। तो 2/5 कुल का, यानी दो जो हमें कुल दिया रहेगा वो क्या होगा? गुणा हो जाएगा उसका, ये यहाँ पे। और इसका 2/5 का मतलब उसका 250, उसका 2/5 उसने किसको दे दिया? राजू को। अब क्या करेंगे? इसको काट लेंगे। तो ये कट रहा है, देखो 5 से कट रहा है, 5 एकम 5 पचम 25, और शून्य वैसा का वैसा, तो कितना होता है? 2 × 50, यानी 50 × 2 = 100। 100 रुपये उसने किसको दिए? राजू को। ठीक है, अब अगला को आगे क्वेश्चन में क्या बता कि 1/5 उसने, सॉरी एक सॉरी बच्चों, 2/5 उसने किसको दिए थे? कालू को दिए थे, तो कालू इसको करेंगे। और राजू को उसने कितना दिया? राजू को दिया 1/5 × 250। 1/5 भाग कितना दिया उसने? राजू को। ठीक है, अब इसको भी हम काट लेंगे। तो 5 एकम 5 पचम 25, तो 1 × 50 यानी 50 रुपये उसने किसको दिए? राजू को। ठीक है, और फिर अब कमल के पास कुल बचे, कमल के पास शेष कितना बचा? 250 ऋण कितने उसने दिए? 100 रुपये कालू को दे दिए और 50 राजू को, तो 100 × 50। अब क्या करेंगे? सबसे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये तो आपको पता ही है, 250 ऋण 150, 100 और धन 50 जोड़ेंगे तो 150। अब इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा? 100 रुपये। 250 में से 150 रुपये बचे, 100 रुपये दिया गया आंसर। कितना इजी है। फिर आप कमल के पास कितने बचे? 100 रुपये। इजी। एक बार इसको फिर से देख लो कि राजू के पास 250 रुपये थे कुल पैसे, उसके पास कितने हैं? 250 थे, 250 लिख दिया। फिर कालू को उसने दिए, कालू को कितना दे दिया? 2/5 भाग कुल का, इन 250 का 2/5 दे दिया, तो 5 का भाग इसमें दिया तो बचे 50। फिर 2 का गुण इसमें किया तो 50 × 100, तो 100 रुपये कालू दिए। फिर राजू कितना दिया? 1/5 भाग, तो 1/5 × 50 250। अब 5 का भाग दे तो 50 आ गया, तो ये आ गया 50 रुपये। फिर कमल के पास शेष कितना बचा? 250 कुल था, उसमें से दोनों को दिए जो पैसे वो माइनस कर दिए। अब दोनों को कितने? 100 दिया और 50 दिया, तो वो माइनस कर दिया। अब बचा कितना? 250 में 50 के 100, ये आ गया आंसर। ऐसे लिखेंगे आप तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अब आइए इसका दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि सीमा के बगीचे में कुल 500 पेड़ है। क्या? सीमा के बगीचे में कुल 500 पेड़, उसमें से 1/5 पेड़ काहे का है? आम के। फिर 2/5 पेड़ किसके हैं? संतरे के। और 1/10 पेड़ किसका? जामुन का। और बाकी बचे अमरूद के। तो
सभी पेड़ों की संख्या में ज्ञात करना है। ओके, तो फिर लिखेंगे हाल। तो बगीचे में कुल पेड़, ठीक है? ऐसे करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे पेपर में। 500, 500 पेड़ है तो 500 लिख दिया। हमें कितना बचा? पहले आम का निकालेंगे, तो आम के पेड़ों की संख्या कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना। कुल कितने हमारे पास? 500, 500 उसका कितने भाग है? 1/5 आम के, तो 1/5 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, बस इजी। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 2 शून्य, नीचे के ऊपर गुणा हो जाता है तो आपको वो भाग होगा, वो आपको पता ही है। तो 1 में 100 का मल्टीप्लाई किया तो कितना बचा? 100। तो आगे 100 आम के पेड़ों की संख्या। अब क्या है? संतरा का पेड़, संतरा कितना है? 2/5। तो अब लिखेंगे क्या? संतरे के पेड़ों की संख्या, ठीक, बराबर 500 × 2/5, ठीक। अब क्या? नीचे का 5 ऊपर के 5 100 में भाग जाएगा, तो 5 एकम 5 और 5 का भाग इसमें 500 में, तो 100 बार, तो कितना बचा? 100 × 2, यानी 200 किसके पेड़ है? संतरे के। ये आगे संतरे के पेड़, ये हो गए आम के पेड़। अब क्या बचा? जामुन का। तो जामुन का कितना? 1/10। तो जामुन के पेड़ की संख्या बराबर 500 × 1/10 बराबर 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, तो कितना बचा? 50। तो 50 पेड़ का ही के जामुन के, बहुत इजी है। अब शेष पेड़ों की संख्या, शेष पेड़ अमरूद, तो अमरूद के पेड़ों की संख्या क्या होगी? कुल संख्या कितनी है? 500। तो 500 माइनस बाकी के जो पेड़ों की संख्या अपन ने निकाली उनका घटा दे, उनको जोड़ लेंगे। 100, 200 और 50। 100 × 200 = 50, इनको जोड़ लो। उन सबको जोड़ लेना, तो 500 × 100 और 200 = 350, 350 आप जोड़ लेगा आराम से, मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। फिर 500 में से 350 गई, बचा 150। तो ये अमरूद के पेड़ों की संख्या कितनी आ गई? 150। बहुत इजी है, आराम से आप कर लोगे। और ये हो गया हमारे क्वेश्चनों के आंसर। फिर इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।